प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय खुरपुरी, यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन सॉरी 1935 के अधिनियम की विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ विशेषताओं का हम अध्ययन कर चुके थे। लास्ट में जो थी राजशक्ति विभाजन, कि किस तरह से हमारे विषयों को यानी संघीय क्षेत्र के सभी विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में विभाजित कर दिया गया था और सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी। जैसे उसी क्रम में मैं आगे पढ़ता हूं, जैसे संघ सूची के विषयों पर प्रांत और संघ सूची के विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय तथा प्रांतीय दोनों ही व्यवस्थापिकाएं कानून का निर्माण कर सकती थी। लेकिन वर्तमान में भी हमारे भारत में यही व्यवस्था है, यहाँ भी हमने संपूर्ण शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन वर्तमान में हम क्या कह रहे हैं कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि किसी बात को लेकर दोनों ही सूचियों में अर्थात दोनों संघ और राज्यों में यदि झगड़ा हो जाता है तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो है संघ को प्राप्त है, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं बेटा कि संघीय न्यायालय अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय को मौलिक तथा अपीलीय संबंधी अधिकार दिए गए। संघीय न्यायालय का कर्तव्य था कि वह संविधान की व्याख्या करे तथा इस बात का ध्यान रखे कि प्रांतीय तथा संघीय सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें, तथापि इस संबंध में अंतिम शक्ति लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। यानी न्यायालय को यह अधिकार क्षेत्र दिया गया कि वह संघीय और प्रांतीय क्षेत्रों में आपस में यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करता है तो उसका ध्यान रखे, लेकिन फिर भी अंतिम शक्ति ब्रिटेन ने अपने पास ही अर्थात प्रिवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में रखी गई। नेक्स्ट है बच्चों, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों और संघीय व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया। इस संबंध में शक्ति ब्रिटिश संसद के पास बनी रही। इस प्रकार भारतीय भाग्य के निर्धारण की अंतिम सत्ता ब्रिटिश संसद के पास ही रखी गई। हम यूँ कह सकते हैं कि बच्चों कि अंतिम शक्ति जो है ब्रिटेन ने फिर भी अपने पास ही रखी, अर्थात अधिनियम के द्वारा इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका जो है वह केवल एक प्रकार से नाम मात्र की ही बनकर रह गई, क्योंकि अंतिम शक्ति तो ब्रिटेन ने अपने पास ही रखी। नेक्स्ट है प्रस्तावना का अभाव। कोई भी किसी भी प्रकार की जैसे संविधान बनता है तो हमारे संविधान की एक प्रस्तावना बनाई गई थी। प्रस्तावना में उसका जो मूल उद्देश्य होता है वह उल्लेखित किया जाता है कि इस संविधान की ये प्रस्तावना है, इसका मूल उद्देश्य प्रस्तावना में ही निहित होता है, लेकिन इस अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी जिससे कि अधिनियम के निर्दिष्ट ध्येय का उद्देश्य या उद्देश्य का ज्ञान हो सकता है। जब इसकी आलोचना की गई तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना को इससे जोड़ने का प्रयास किया गया। यह इसलिए किया गया ताकि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने प्रस्तावना का कोई उल्लेख नहीं किया। मैंने बताया कि बच्चों प्रस्तावना में
भारत जो अधिनियम अर्थात जो बनता है, जैसे हमारा संविधान बनता है, उसकी पहले एक प्रस्तावना बनी थी जिसमें उस प्रस्तावना का, जिस भारतीय संविधान का उद्देश्य अर्थात उसका लक्ष्य निहित किया जाता है कि इसमें हमें क्या क्या करना है। इस लेकिन इस अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नेक्स्ट है बच्चों, भारत परिषद का अंत। 1935 के अधिनियम द्वारा इस परिषद का अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए जिससे परामर्श लेना अथवा न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन सेवाओं से संबंधित भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। यानी नौकरियां वगैरह जो सेवाएं वगैरह होती थी इसमें भारत मंत्री को सलाह मानने का के लिए एक परामर्शदाता जो नियुक्त किए गए थे उनके परामर्श से काम करना पड़ता था और बाकी क्षेत्रों में नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में क्या होता है कि बच्चों कि धर्म के आधार पर वोटों का निर्धारण किया गया, अर्थात जिसको हम संप्रदाय भी कह सकते हैं, जैसे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम वगैरह वगैरह आदि आते हैं। इनको क्या है कि वोट देने का जो अधिकार था वह इनको अलग अलग बांट दिया गया। हिंदू को कितने प्रतिशत, मुस्लिम को कितने प्रतिशत, या मुस्लिम एरिया से मुस्लिम प्रतिनिधि चुना जाएगा, उसको वोट देने का अधिकार भी मुस्लिम को ही था। वर्तमान में भारत में ठीक है SC ST OB ये निर्धारण किए गए हैं क्योंकि कमज़ोर वर्ग हैं तो इनको फुल प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, इसलिए सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं कि भाई SC ST। लेकिन इन सीटों पर SC ST के अलावा और जनरल कास्ट वगैरह है, क्षत्रिय जो कास्ट हैं उन सबको वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन उस अधिनियम में क्या किया गया कि उस अधिनियम में केवल जैसे मुस्लिम मतदाता खड़ा हुआ तो उसको केवल मुस्लिम ही वोट देंगे। इस प्रकार से भारत को टुकड़े टुकड़े करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। जैसे कि अंग्रेज़ों में भारत में फूट डालने की अपनी नीति के अनुसार संघीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों एवं विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा वरन आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार कर दिया गया। मैंने आपको बताया बच्चों 1909 के अधिनियम द्वारा इस पद्धति की शुरुआत की गई थी जिसको उन पर सांप्रदायिक पंचायत भी के नाम से भी बोलते हैं। और देखिए 1935 के आते आते भी इस पद्धति का किसी प्रकार से अंत नहीं किया गया क्योंकि ये बुरी पद्धति थी, लेकिन अंत न करके इस पद्धति का और ज़्यादा विस्तार किया गया। नेक्स्ट है बच्चों, बर्मा, बरार और दमन, यानी इन तीन जो प्रांत हैं इन तीनों प्रांतों को भी अलग अलग व्यवस्थाएँ करी दी गई, इनको भी अलग अलग टुकड़े किए गए। जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और अदन को भारत के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। बरार के ऊपर हैदराबाद की नामात्र का मताधिकार या सत्ता स्वीकार की गई किंतु शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंत कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चों इस 35 के अधिनियम द्वारा भी किसी प्रकार का कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात भारत को एक प्रकार से वैसा ही गुलाम ही रहने दिया और किसी प्रकार की कोई सुधार की गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों ये 1935 का अधिनियम आज हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।